कुनो नेशनल पार्क में निकले बेशकीमती सिक्के, चांदी के अलावा अन्य धातुओं के सिक्के भी मिले। पालपुर राजघराने का दावा, प्रशासन ने खजाना दबाया। कुनो नेशनल पार्क चीतों के लिए चर्चा में है, लेकिन अब ये चांदी के सिक्कों और आभूषण का खजाना मिलने को लेकर भी सुर्खियों में है। खबर है कि वन विभाग को कुनो सेंचुरी में बेशकीमती धातु से बने सिक्कों के साथ सिल्वर कॉइन और आभूषण मिले हैं। इस बात का दावा पालपुर राजघराने ने किया है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने कुछ धातुओं के अलावा 40 चांदी के सिक्के मिलने की बात कही है। उधर खुदाई करने वाले मजदूरों के पास सिक्के होने की तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हुए हैं। पहले सुनिए राजघराने का क्या कहना है। लेबर के द्वारा जो लेबर ने जो लिए हैं सिक्के, उनसे वो छीन के वो जब्त करा दिए गए हैं। ये वही 40 सिक्के हैं जो कि लेबर के द्वारा लिए हैं, ज़मीन से निकले हुए सिक्के नहीं हैं। कि वही ज़मीन से और क्या निकला उसका नहीं, तो जो ज़मीन से जो लेबर ने अपने बीन लिए, ये उनसे छुड़ा के इन्होंने वो जब्ते दिखा दी। कुनो पार्क की खुदाई में मिले खजाने को लेकर मीडिया में खबरें आई तो कुनो के अधिकारियों ने 24 घंटे बाद महज 40 चांदी के सिक्के, कुछ गहने और तांबा धातु के कुछ सिक्के पुलिस को जब्त करा दिए। इनमें वो सिक्के भी हैं जिन्हें मजदूरों ने अपने पास खुदाई के दौरान रख लिए थे। दरअसल राष्ट्रीय कुनो अभ्यारण्य के अंदर स्थित पालपुर राजघराने की पुरानी घड़ी के पास जेसीबी मशीन से खुदाई चल रही थी। इस खुदाई में खजाना मिलने का दावा किया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर डीएफओ प्रकाश वर्मा से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो सकी।